तो शीट नंबर 11 में फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टिंग स्फेयर ऑफ रेडियस, तो सिंगल स्फेयर है, सिंगल स्फेयर है तो ये इसका रेडियस है, तो इसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या आएगी, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको पता है 10 × 10⁻², तो यहाँ से सॉल्व करके कैपेसिटेंस की वैल्यू आएगी। हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड टू रेज इट्स पोटेंशियल ऑफ, सी आ गया, वी आपको क्वेश्चन में 1000 वोल्ट गिवन है, सी पता है, वी पता है, तो चार्ज निकाल लेना, क्यू इज इक्वल टू सी इंटू वी करके चार्ज आ जाएगा, आंसर आ गया। कोई डाउट इसमें, ये स्टेप भी क्लियर है यहाँ तक। जैसे नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन में एन ड्रॉप फॉर मर्करी, ऑलरेडी हमने क्वेश्चन शॉर्टकट किया हुआ है कि पोटेंशियल एन रेज टू पावर 2/3 टाइम्स हो जाता है। नेक्स्ट है, कैपेसिटर 20 माइक्रो फेरेड है, चार्ज टू अ पोटेंशियल ऑफ 10 किलो वोल्ट, चार्ज निकालना है, तो सी पता है, वी पता है, क्यू इज इक्वल टू सी वी, चार्ज आ जाएगा, खत्म। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 में, पैरल प्लेट एयर कैपेसिटर में दो सर्कुलर प्लेट्स हैं, तो ये पैरल प्लेट कैपेसिटर है, सर्कुलर प्लेट है, इसका डायामीटर गिवन है आपको 8 सेंटीमीटर, तो इसमें रेडियस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 सेंटीमीटर, तो एरिया आप निकाल ही सकते हो, पाई आर स्क्वायर मीटर स्क्वायर में निकाल लेना। अब वो कह रहा है एट व्हाट डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस पे इन प्लेट्स को रखें, सो दैट टू हैव द सेम कैपेसिटेंस एज दैट ऑफ स्फीयर ऑफ डायमीटर 20, तो स्फीयर का डायमीटर कितना है 20, तो रेडियस की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 × 10⁻²⁰ मीटर, स्फीयर की कैपेसिटेंस क्या है 4 πε₀r, तो स्फीयर की कैपेसिटेंस आ गई। वो कह रहा है पैरल प्लेट की और इसकी कैपेसिटेंस सेम होनी चाहिए, तो इसकी कैपेसिटेंस क्या है एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, तो एरिया आप निकाल सकते हैं यहाँ से, और दोनों की कैपेसिटेंस इक्वेट करके डी की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड, आंसर आ जाएगा। तो इन दोनों कैपेसिटेंस की वैल्यू को इक्वेट करके डी निकाल लेना आंसर। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो कैपेसिटेंस के फॉर्मूला लगा लेना, एक बार पैरल प्लेट का और एक बार स्फेयर का, दोनों को इक्वेट कर लेना और डी की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड। नेक्स्ट है 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6, कैपेसिटर ऑफ अननोन कैपेसिटेंस इज कनेक्टेड अक्रॉस अ बैटरी ऑफ वी, चार्ज 120 माइक्रो कूलम इज स्टोर्ड इन इट, व्हेन द पोटेंशियल अक्रॉस द कैपेसिटर रिड्यूस बाय 40, चार्ज बिकम 40 माइक्रो कूलम, वी एंड अननोन कैपेसिटेंस, दो केस हैं। पहले केस नंबर 1 बना लो, केस नंबर 1 में एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटी पता नहीं, जिसमें बैटरी वी है, केस नंबर 1 है सी और वी। अब वो कह रहे हैं अ चार्ज ऑफ 120 माइक्रो कूलम इज स्टोर्ड इन इट, तो क्यू की वैल्यू वो कितनी दे रहा है 120 माइक्रो कूलम, तो 120 × 10⁻⁶ इज इक्वल टू सी इंटू वी, आपकी इक्वेशन नंबर 1 आ गई। ठीक है, यहाँ तक इक्वेशन में 1 क्लियर है। सेकेंड केस है, अब वो कह रहे हैं व्हेन द पोटेंशियल कैपेसिटर रिड्यूस्ड बाय 40, तो पोटेंशियल कितना हो गया वी माइनस 40, चार्ज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर बिकम 40, तो इसमें सी को तो चेंज किया नहीं, चार्ज की वैल्यू क्या आएगी सी इंटू वी माइनस 40, और चार्ज की वैल्यू 40 × 10⁻⁶ इज इक्वल टू सी इंटू वी माइनस 40। ये क्वेश्चन नंबर 2, इक्वेशन में 1 और 2 को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ सी एंड वी। तो मेथड समझ में आ रहा है यहाँ तक, बिल्कुल टिपिकल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट है 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज अ प्लेट एरिया एंड सेपरेशन गिवन है, प्लेट का एरिया गिवन है, सेपरेशन का मतलब डी गिवन है, व्हाट पोटेंशियल डिफरेंस विल बी डेवलप्ड अगर चार्ज की वैल्यू भी उसने दे दी। तो देखो ना, ए और डी पता है तो सी तो आ ही जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, तो सी पता है, क्यू पता है, तो वी इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय सी से क्या जाएगा, वी आ जाएगा, एक आंसर। इफ प्लेट सेपरेशन इज नाउ इंक्रीज टू 2 mm, पहले कितनी थी 1 mm, 1 mm से डी को क्या कर दिया डबल, लास्ट टाइम भी किया था, डी अगर डबल करेंगे तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, डी डबल करेंगे तो कैपेसिटेंस हाफ हो जाएगी, कैपेसिटेंस हाफ होगी तो वी डबल हो जाएगा, पोटेंशियल डबल हो जाएगा। जो भी केस नंबर 1 में आंसर आएगा, सेकेंड आंसर उसे डबल ही पाया जाएगा इंटू 2। तो समझ में आ रहा है यहाँ तक, डी हाफ करने से कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी, कोई डाउट इसमें? और डी डबल करने से कैपेसिटेंस हाफ हो जाएगी।
नेक्स्ट है सेवन के बाद क्वेश्चन नंबर एट. टू मेटेलिक कंडक्टर्स हैज नेट चार्ज 70 एंड माइनस 70 विच रिजल्ट इन अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 20. व्हाट इज कैपेसिटेंस. तो देखो ना कुछ नहीं है, दो प्लेट्स हैं, क्यू ले लो, क्यू 70 पीको कूलम है और पोटेंशियल डिफरेंस वी पता है, तो यहाँ से सी निकालना है. क्यू सी इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई वी, आंसर आ गया. तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तो कैसे करना है इसमें, ठीक. तो इसमें कुछ करना ही नहीं है. तो पी को 10 की पावर माइनस 12 है. एक स्फेरिकल कैपेसिटर इनर रेडियस पता है और आउटर रेडियस पता है. तो एक स्फेयर है, इनर रेडियस 9 सेंटीमीटर है, आउटर रेडियस 10 सेंटीमीटर है. आउटर स्फेयर इज अर्थ, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर कहता है इसको अर्थ करो, इनर को चार्ज दो, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर कहता है अंदर को चार्ज दो. कैपेसिटेंस क्या है, ये तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है. 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी डिवाइडेड बाई बी माइनस है. तो ए का मतलब अंदर का रेडियस है, बी का मतलब बाहर का रेडियस है आंसर. तो सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, कोई डाउट इसमें, ठीक है यहाँ तक. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10. इफ द स्ट्रेटोस्फेयर एक्ट्स एज अ कंडक्टिंग लेयर ऑफ द अर्थ और एक्सटेंड बियॉन्ड 50 किलोमीटर फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ, देन कैलकुलेट कैपेसिटेंस ऑफ द स्फेरिकल कैपेसिटर फॉर्म बिटवीन स्ट्रेटोस्फेयर एंड अर्थ सर्फेस. रेडियस ऑफ अर्थ पता है. तो बेसिकली कुछ नहीं है, ये दो शेल बना रहा है, ये अर्थ है, अर्थ का आर आपको पता है 6400 किलोमीटर है. फिर ये एक डिस्टेंस कितना है, 50 किलोमीटर का डिस्टेंस है. तो अंदर का रेडियस ए आ गया, बाहर का रेडियस बी भी आ गया. अब ये स्फेरिकल कैपेसिटर बन गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी बाई बी माइनस ए से आंसर आ जाएगा, ठीक. तो दो शेल्स जब काम करेंगे तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हमने किया हुआ है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी बाई बी माइनस ए से आंसर. नेक्स्ट है इसमें कॉपी पेस्ट गलत हो गया. तो चार्ज इतना इज प्लेस ऑन पॉजिटिव प्लेट एंड चार्ज ऑफ इतने कूलम ऑन द नेगेटिव प्लेट ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. तो दोनों अनइक्वल चार्जेस हैं. कैलकुलेट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दी प्लेट्स. ये क्वेश्चन हमने अभी किया नहीं है, अनइक्वल चार्जेस का क्या करना है, ठीक है. तो इसको आज हम जाते हुए डिस्कस करेंगे कि अगर चार्जेस अनइक्वल है कैपेसिटर पे तो उसका क्या रूल लगता है, ठीक ठीक है.